वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, दैट इज़ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो इसमें हम देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है एक्चुअल में व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, देखो आपने इकोलॉजिकल कम्युनिटी पढ़ी है, ठीक है, या कम्युनिटीज आपने नाम सुना है। जब हमने स्टार्ट में ये लेक्चर पढ़ा था आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कि कम्युनिटीज़ कैसे बनती हैं। ठीक है, कम्युनिटीज़ विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशंस, जब नंबर ऑफ पॉपुलेशंस एक एरिया में होते हैं तो वो बनाते हैं एक कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी में चेंजेस जो है वो कंटिन्यूसली आती रहती है, यानी कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसमें चेंजेस ना हो। इसी तरह कम्युनिटीज़ में जब चेंज आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आती है, उसके फंक्शन में जब चेंजेस आती हैं, ठीक है, ये पहले एक कम्युनिटी, धीरे धीरे इसमें ऐसे चेंजेस आ गए, इसमें ऐसे परिवर्तन आ गया कंटिन्यूसली, तो ये कम्युनिटी ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता 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 चेंज करना शुरू किया। ठीक है, और एक टाइम ऐसे आएगा कि ये कम्युनिटी जो है ये पहले एक फॉर्म में थी, लेकिन अगर आप कुछ सालों के बाद देखेंगे तो ये कम्युनिटी बिल्कुल चेंज होती है और इसने दूसरी फॉर्म में ये चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपली इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन मींस हो गया चेंजेस आना। ठीक है, किसमें? इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको इकोलॉजिकल कम्युनिटी की डेफिनेशन बताऊंगा पहले तो मैं सिंपल लिखूंगा दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, सिंपली द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जो एक कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होना, उस कम्युनिटी के अंदर फंक्शनल चेंजेस होना। ठीक है, किस रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आती रहती है, ये कम्युनिटी जो है ये भी उसी हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाती है। मैं लिखूंगा विथ रेस्पेक्ट टू द चेंजेस इन इट्स एनवायरमेंट। देखो जब मैं आपको एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा अभी, तो ये एग्जांपल जो डेफिनेशन है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, ये बराबर आपको फिट आनी चाहिए एग्जांपल्स पे। ठीक है, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो अभी के लिए याद रखो मैंने क्या लिखा, चेंजेस जो है The change in the किस में? Structure की structural changes and function में changes आना of an ecological community। किसके respect में? उसके environment में जो changes आते हैं, उस environment को के change होने के साथ साथ ये ecological community जो है ये अपने अंदर भी changes लाते हैं और ये change होती है दूसरी community में। इसी को हम simply बोलते हैं, this is simply called as the ecological succession। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सिंपल। चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंज जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी है। मैंने आपको बोला कम्युनिटी जो है इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कम्युनिटी, यहां पे प्लांट्स हैं, ठीक है, यहां पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे लार्जर ट्रीज है, यानी कि बहुत सारे स्पीशीज है यहाँ पे प्लांट्स के। ठीक है, इस कम्युनिटी में फॉर एग्जांपल फ्रॉग की पॉपुलेशन भी है, इस कम्युनिटी में मैन की पॉपुलेशन भी है, इस कम्युनिटी में रैट की पॉपुलेशन है, इस कम्युनिटी में इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, इस कम्युनिटी में जैसे कि माइक्रोब्स की पॉपुलेशन है। तो इस तरह से ये जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे टेक पार्ट कर रहे हैं इस कम्युनिटी इसमें इस एरिया में, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में हम देखेंगे यहां पे चेंजेस आती है, देयर आर द चेंजेस कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं विद द चेंज इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है कभी एक कॉन्स्टेंट पोजिशन में नहीं रहता है, एनवायरमेंट चेंज होता जा रहा है। इस एनवायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ इकोलॉजिकल कम्युनिटी में भी कुछ चेंज आएंगे। चेंजेस क्या होंगे? ये चेंजेस अगर आप देखेंगे, दीज चेंजेस में भी
ये चेंजेस दो टाइप्स की चेंजेस हो सकती हैं, ये हो सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, दिस मे बी स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये चेंजेस हो सकते हैं कंपोजिशनल चेंजेस, यानी कि कंपोजिशन में चेंज होना, दिस मे बी कंपोजिशनल चेंजेस। समझा गया आपको, मैंने बात करी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में चेंजेस कंटिन्यूसली होती रहती है, ये चेंजेस दो टाइप्स के हो सकती है, ये हो सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस भी और ये हो सकते हैं कंपोजिशनल चेंजेस भी। सर स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल चेंज मीन्स स्ट्रक्चर में चेंज आना, इसके नेचर में चेंज आना, ये नेचर क्या है, इसका नेचर क्या था और बाद में इसने कौन से चेंज लाई, दैट इज द नेचर में चेंज होना, इसके साइज में चेंज होना, ठीक है, या सिंपली इसके एरिया में चेंज होना, क्लियर। तो इस तरह से ये हम बोल सकते हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, अगर मैं बात करूंगा कंपोजिशनल चेंजेस, कंपोजिशनल चेंजेस मींस जो इसके अंदर स्पीशीज थी, कुछ स्पीशीज जो है वो न्यू ऐड हो गए, वो न्यूली ऐड हो गए, लेकिन कुछ स्पीशीज जो है वो वैनिश हो गए, खत्म हो गए। समझा गया आपको, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूं कंपोजिशनल चेंज मींस सम स्पीशीज आर इंक्रीज, कुछ स्पीशीज इंक्रीज हो जाएंगे व्हाइल एज सम स्पीशीज गेट्स डिक्रीज, कुछ नए नए स्पीशीज इस कम्युनिटी में आएंगे और कुछ पुराने स्पीशीज जो है वो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चरल चेंज, ये है आपके पास कंपोजिशनल चेंज। सिंपल है ना, क्या बोला मैंने अभी तक, कुछ भी नहीं बोला। ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, इसमें चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस हो सकते हैं स्ट्रक्चरल, जैसे कि नेचर में, इसके साइज में, इसके एरिया में, ठीक है। कंपोजिशनल चेंज मीन्स स्पीशीज की अंदर चेंज आएंगे, इसके अंदर इससे पहले कुछ और स्पीशीज, लेकिन जिसमें जैसे ही इसमें चेंजेस आ गए तो इसमें कुछ न्यूली स्पीशीज ऐड हो गए, कुछ पुराने स्पीशीज जो है वो वैनिश हो गए। ओके शाबाश, तब आपको मैं अब एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये एक कम्युनिटी है, दिस इज द कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम की बात करूंगा मैं, दिस इज द पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, दिस इज द पॉन्ड इकोसिस्टम। अभी ये पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड में अभी फ्रेश वाटर है, इस पॉन्ड में अभी फ्रेश वाटर है, ध्यान से सुनना, इस पॉन्ड में अभी फ्रेश वाटर है, दिस इज द पॉन्ड इकोसिस्टम। तो क्या मैं इसको बोलता हूं कम्युनिटी? यस, इसको मैं बोल सकता हूं कम्युनिटी, क्यों? क्योंकि यहां पे जू प्लैंकटन्स होंगे, यहां पे फ्रेश वाटर होगा, यहां पे स्मॉलर फिशेस हैं, यहां पे लार्जर फिशेस हैं, यहां पे लाइट है, इस वाटर में कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, यानी कि एक स्मॉल इकोसिस्टम है ये, एक स्मॉलर कम्युनिटी है ये, ठीक है, पॉन्ड। तो जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा ये पॉन्ड में धीरे 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 जो है स्मॉलर प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स या सिंपलर प्लांट्स, इसमें डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल इस पॉन्ड में डायरेक्टली जो है पोल्यूटेंट्स ऐड होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्लियर, या सिंपली मैं बोलूंगा न्यूट्रेंट्स ऐड होते जा रहे हैं धीरे धीरे, या इसमें जो है एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई, ठीक है, जिनसे रेनफॉल कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड में अब क्या होगा, ये पॉन्ड है, अब इसमें धीरे धीरे जो है वो स्मॉलर प्लांट्स इसमें डेवलप होने लगेंगे, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स इसमें डेवलप होने लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन्स। तो यहां पे ये सिंपल पॉन्ड था, इसमें कुछ भी नहीं था, ओनली फ्रेश वाटर था, कोई भी प्लांट की लाइफ नहीं थी, तो ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम था, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, ठीक है। नाउ यहां पे अब डेवलप होने लगे धीरे धीरे फाइटोप्लैंकटन्स, स्मॉलर एंड सिंपलर प्लांट्स, ठीक है, वो इतने छोटे होते हैं वो आपको कभी दिखेंगे भी नहीं, ठीक है, स्मॉलर प्लांट्स। तो यहां पे वाटर भी होगा इसके अंदर, अभी वही पॉन्ड है ये, दीज आर द फाइटोप्लैंकटन्स। इसके बाद फिर से टाइम जाएगा, विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ ये कम्युनिटी जो है
इसमें और परिवर्तन आएगा, उसमें और चेंजेस आएंगे, ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ये चेंज हो जाएंगे सबमर्ज्ड प्लांट्स में, इसमें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे सबमर्ज्ड प्लांट्स। ऐसे ये बॉटम है, बॉटम की लेयर, यहां पे सॉइल है, माइक्रोब्स होंगे, तो यहां पे छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये फाइटोप्लैंक्टोनस थे, तो यहां पे जब न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए, ठीक है, सॉइल की लेयर ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट थी, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में बैठ गए और इन प्लांट्स ने धीरे धीरे छोटे छोटे रूट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। और ये जो है इस स्टेज को हम नाम देंगे, अगर ये फाइटोप्लैंक्टोनस है यहां पर, इसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स। यहां पे ये सबमर्ज्ड प्लांट्स इसमें धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ये पॉन्ड है, अभी पॉन्ड इकोसिस्टम एक कम्युनिटी की एग्जांपल है ये, ठीक है। सबमर्ज्ड पहले क्या था, ये पॉन्ड था, फ्रेश वाटर, ठीक है, अब इसमें चेंजेस आ गए, फाइटोप्लैंक्टन डेवलप होना शुरू हो गए, नाउ सबमर्ज्ड शुरू हो गए यहां पर। अब सबमर्ज्ड के बाद यहां पर इसमें और चेंजेस आएंगे इस पॉन्ड में, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो है वो वाटर के सरफेस पे आके घूम जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे, दीज आर द फ्री फ्लोटिंग स्टेज, ठीक है, ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है, फ्री फ्लोटिंग, यानी कि जैसे हम देखते हैं एक स्टेज से दूसरा स्टेज, दूसरा से तीसरा स्टेज, जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो ज्यादा ज्यादा हो रही है। दैट मीन्स ये जो कम्युनिटी थी जहां पे पहले कोई भी प्लांट नहीं था, तो ये धीरे 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 जो है ये चेंज होता जा रहा है एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग स्टेज आ गया इसमें, तो इसके बाद और इसमें चेंज आएंगे धीरे 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 धीरे, ये आएगा इसका रीड स्वैम्प्स वाला स्टेज। रीड स्वैम्प्स वाला स्टेज थोड़ा सा ये प्लांट जो है अब ये बढ़ जाएंगे, ओके, रीड स्वैम्प्स वाला स्टेज, इसको हम बोलते हैं रीड स्वैम्प, ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट हो जाएगी प्लांट्स की। नाउ इसके बाद ये कम्युनिटी और चेंज होगी यहां पे, शाबाश, फिर से प्लांट्स की डेवलपमेंट होगी और एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपको इसमें देखने को मिलेंगे मार्जिनल प्लांट्स, ठीक है, तो मार्जिनल प्लांट्स यहां पे ऐसे इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, कुछ हर्ब्स, कुछ शर्ब्स भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो पानी जो है, वाटर जो है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है अब धीरे 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 अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता जा रहा है, ठीक है। और लास्ट पे आपको ऐसा स्टेज मिलेगा, इसमें आपको मिलेंगे फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज, ये जो है ये ट्रीज की कम्युनिटी बनेगी अब। अब यहां पे आपको देखने को मिलेंगे हर्ब्स, ठीक है, अब यहां पे आपको देखने को मिलेंगे लार्जर ट्रीज, अब आपको यहां पे देखने को मिलेंगे ग्रासेस, तो ये जो कम्युनिटी है अब, दिस इज नाउ नोन एज द फॉरेस्ट स्टेज, क्यों, क्योंकि इसमें आपको लार्जर ट्रीज देखने को मिलेंगे, लार्जर ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, तो मुझे आप बोलो क्या ये पहले एक कम्युनिटी थी, क्या इसमें चेंजेस आ गए, और लास्ट पे जो आपने देखा
एनवायरनमेंट के साथ साथ, एनवायरनमेंट के चेंज की होने के साथ साथ यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है इसमें डेवलपमेंट होती है। ठीक है, पहले कोई भी प्लांट नहीं था, फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप हो गए, सबमर्ज्ड प्लांट्स डेवलप हो गए, इन्होंने फिर से डेवलपमेंट किया, फ्री फ्लोटिंग, देन रीड स्वैम्प्स, इसी तरह से मार्जिनल प्लांट्स, और धीरे धीरे आगे जाके ये लास्ट स्टेज पे इन्होंने एक बड़ा सा फॉरेस्ट बना दिया। तो ये जो कम्युनिटी यहाँ पे बनी, अब आप कितने भी चेंज करो यहाँ पे, एनवायरनमेंट कितना भी चेंज लाओ, लेकिन अब ये कम्युनिटी जो है ये अब स्टेबल कम्युनिटी है। तुम कितने भी एनवायरनमेंट में चेंज लाओ, ये कम्युनिटी अब फर्दर चेंज नहीं हो जाएगी। एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये चेंजेस आते हैं, लेकिन ये चेंजेस में बहुत सारा टाइम लगता है। ये 5 दिन 10 दिन 2 महीने 10 साल 20 साल का खेल नहीं है, इसमें लगते हैं, दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, नियर अबाउट 100 से लेकर 1000 ईयर्स, 100 to 1000 ईयर्स लगते हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस में। कोई ओके, तो जो ये फॉरेस्ट बना, जो ये कम्युनिटी बनी लास्ट पे, दिस इज द स्टेबल कम्युनिटी, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज नाउ नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दिस इज नाउ नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जो लास्ट पे रिजल्टेंट होता है इन चेंजेस का। ये चेंजेस कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं, इसमें धीरे धीरे प्लांट्स डेवलप होते जा रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी को चेंज होना है दूसरे कम्युनिटी में। जो ये लास्ट कम्युनिटी आपके पास आई है, अब तुम एनवायरमेंट में कितने भी चेंजेस लाओ, लेकिन अब ये फर्दर चेंज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी अब मोर स्टेबल है, इसमें अब चेंजेस लाना इम्पॉसिबल है, और ये चेंज नहीं होगी क्योंकि अब ये पूरा स्टेबल बैठा। तो ये एक बड़े पूरे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट की शेप में आपके सामने आ गया। अब नाउ इस को हम बोलते हैं अब, नाउ दिस इज नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, तो ये जो आपने एग्जांपल्स देखी है, अब इस एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको जो ये डेफिनेशन है वो पहले हम अप्लाई करेंगे, है ना। देखो, द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गए, इसके फंक्शन में चेंज आ गए। स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आए? अभी पहले क्या था? ये पॉन्ड था, और लास्ट पे ये डिफरेंट स्टेज से चला गया, अब इसने क्या बनाया? फॉरेस्ट। देखो, पॉन्ड और फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो आ गया यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस एंड फंक्शन। फंक्शन मीन्स ये एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है। अगर हम इसको देखेंगे, नाउ दिस इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या था? एक्वाटिक फूड चेन्स थे। यहाँ पे क्या होते अभी? यहाँ पे अब है टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स एंड डेट्रिटस फूड चेन्स, क्योंकि अभी फॉरेस्ट में चेंज हो गया। दैट मीन्स चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी के फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज एनवायरमेंट। जैसे ही एनवायरमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं, इसी का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। और मैंने आपको बोला ये स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड कंपोजिशनल चेंजेस। देखो, यहाँ पे कंपोजिशन क्या थी? फिशेस थे। यहाँ पे कंपोजिशन क्या है? इंसेक्ट्स होंगे। यहाँ पे कंपोजिशन क्या थे? ज़ूप्लैंक्टन्स है। यहाँ पे कंपोजिशन क्या होंगे? बर्ड्स होंगे। यहाँ पे क्या थे? और फिशेस थे, स्मॉलर फिश, लार्जेस्ट फिश। अब यहाँ पे आपको फिशेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, सम स्पीशीज आर एडेड व्हाइल सम आर वैनिशेस। कुछ स्पीशीज यहाँ पे ऐड किए गए, जैसे कि बर्ड्स है, जैसे कि यहाँ पे कुछ मैमल्स होंगे, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स होंगे, यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स होंगे जो यहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीशीज नहीं है जो यहाँ पे थे। यहाँ पे क्या थे? फिशेस थे। यहाँ पे फिशेस नहीं होंगे। यहाँ पे ज़ूप्लैंक्टन्स थे, यहाँ पे ज़ूप्लैंक्टन्स नहीं होंगे। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर था, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ वाटर, या वाटर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे है, मैंने बोला कंपोजिशनल चेंजेस, इसमें एक कंपोजिशन था, ये जो आपके पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी, इसमें दूसरी अब दूसरी कंपोजिशन आ गई। इस तरह से ये चेंजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं एज वेल एज कंपोजिशनल चेंजेस भी हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस जो है स्ट्रक्चरल एंड कंपोजिशनल के अलावा, ये चेंजेस हो सकते हैं, दीज आर द, हो सकते नहीं, ये होते हैं, दीज आर द ग्रेजुअल चेंजेस। ओके, ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। दीज चेंजेस आर ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल। मैं लिखूंगा एक और पॉइंट, ये चेंजेस जो इसमें आते हैं, दीज चेंजेस आर ग्रेजुअल एंड predictable, gradual and predictable. Gradual means ये changes slowly होती है, लेकिन continuously होती है। ठीक है, slow changes but continue, slowly होती जा रही है, लेकिन ये continuously होती जा रही है। Changes continuous में आते हैं। ठीक है, gradual, ये changes sequential होते हैं, यानी कि ordered होते हैं,
ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मीन्स यहाँ पे पहले फ्रेश वाटर प्लांट था, इसके बाद सबसे जो सिंपलेस्ट प्लांट्स थे वो यहाँ पे डेवलप हो गए, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन डेवलप हो गए, इसके बाद सबमर्ज प्लांट्स डेवलप हो गए। ऐसा नहीं कि पहले फ्रेश वाटर प्लांट था, पहले फॉरेस्ट बना, फिर जाके इसमें फाइटोप्लैंक्टन आ गए, फिर जाके ये हो गए, नहीं, ये चेंज जो है सिक्वेंशियल है। ठीक है, फ्रेश वाटर पॉन्ड पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसके बाद ओनली वाटर था, फ्रेश वाटर था, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन आ गए, देन सबमर्ज प्लांट्स ने डेवलप किया, देन फ्री फ्लोटिंग, देन रीड्स वेपर्स, देन मार्जिनल, देन और कोई बीच में होगा, देन लास्ट पे ये है जो है एक फॉरेस्ट की शेप में बना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेजुअल चेंजेस, स्लो है लेकिन कंटिन्यूसली होती जा रही है, ऑर्डर्ड है, ठीक है, एक सिक्वेंस में होती जा रही है, दीज आर द सिक्वेंस, sequential changes, ordered changes, slow changes, continuously and sequential. Predictable means क्या हो गया? These changes are predictable. Predictable means इन changes को हम predict करते हैं. They can be observed. They can be observed. इनको आप easily observe कर सकते हो. हाँ, ये fresh water pond है, इसमें कोई भी plant develop नहीं है. जब आप 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद फिर से इस पॉइंट पे आओगे तो आप देखोगे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन इसमें डेवलप होंगे, फिर आप 25 साल, 30 साल के बाद फिर से आएंगे तो आप इसमें देखेंगे सबमर्ज्ड प्लांट्स। ठीक है, तो उतनी आदमी की लाइफ नहीं है, यानी कि ह्यूमन बींग की लाइफ उतनी नहीं है जितना टाइम लगता है इस कम्युनिटी को चेंज होने में। ठीक है, उसके बाद आपके बच्चे आएंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, उनके बच्चे आएंगे, तब जाके यहाँ पे रीड स्टैम्प्स होंगे, और जहाँ यहाँ पे ये कम्युनिटी बढ़ती है, किसकी कम्युनिटी? प्लांट्स की कम्युनिटी। इस तरह से ये कम्युनिटी जो है एक फॉर्म से चेंज होती है दूसरे फॉर्म में, बट दीज चेंज आर ऑब्जर्वेबल, ये इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर, शाबाश। और क्या है, और क्या देखने को आपको मिला? तो जब ये चेंजेस आ रही है, ये चेंजेस क्या थे? स्ट्रक्चरल चेंज थी, इसके फंक्शन में चेंज थे, इसकी कंपोजिशन में चेंज थी, ये चेंजेस ग्रेजुअल हैं, ये चेंजेस प्रेडिक्टेबल, इनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो इन चेंजेस से यहां पे कम्युनिटी बनी, द न्यूली फॉर्मड कम्युनिटी, न्यूली फॉर्मड कम्युनिटी, न्यूली फॉर्मड कम्युनिटी, इट विल बी मोर स्टेबल, ये होगा बहुत ज्यादा स्टेबल। नाउ इट विल बी मोर स्टेबल, इट विल बी मोर स्टेबल, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एंड कैन नॉट बी फर्दर चेंजेस, कैन नॉट बी फर्दर चेंज। अब इसमें आप एनवायरमेंट की कितने भी चेंजेस लाओ, ये अब जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं शो करेंगे। ठीक है, कैन नॉट बी फर्दर चेंज, ये कम्युनिटी जो फर्दर चेंज नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, मान लीजिए ये प्राइमरी सक्सेशन है, यहां पे पहले कुछ भी नहीं था, तो यहां पे न्यूली प्लांट्स डेवलप हो गए, इससे पहले यहां पे कोई प्लांट नहीं था, अब जाके एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट बना, जो इसको हम नाम देंगे अब, दिस इज नाउ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी की प्रॉपर्टी क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज स्टेबल टाइप ऑफ कम्युनिटी, इट इज न्यू कम्युनिटी एंड इट कैन नॉट फर्दर चेंज, फर्दर चेंज इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, तो और क्या देखा आपने यहां पे? सम स्पीशीज आर एडेड वाइल सम स्पीशीज आर रिमूव्ड, कुछ स्पीशीज एड हो गए, कुछ स्पीशीज यहाँ पे रिमूव हो गए, प्लांट स्पीशीज कोई भी नहीं था। अब इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चलेंगे, टेरेस्ट्रियल फूड चेन चलेंगे, मैं लिखूंगा सम स्पीशीज आर एडेड वाइल सम आर रिमूव्ड, कुछ स्पीशीज रिमूव हो गए, जो यहाँ पे वाटर बॉडी में स्पीशीज थे, जो यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ में थे, वो रिमूव हो गए, और कुछ स्पीशीज जो है वो न्यूली ऐड हो गए। कौन से हैं वो? फॉरेस्ट, ग्रासेस, हर्बस, श्रब्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह वगैरह जो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अब ये न्यू क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनी। और क्या बना यहाँ पे? जरा बायोमास के डिफरेंस देखो, अगर आप यहां पे इससे पहले जो कम्युनिटी थी फ्रेश वाटर, बायोमास इसमें ज्यादा होता है, बायोमास इसमें ज्यादा है, अब नाउ क्लाइमैक्स कम्युनिटी में बायोमास ज्यादा है, तो मैं लिख सकता हूं एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बायोमास में भी इंक्रीज होता जा रहा है। कैसे? ये देखो, यहाँ पे पॉन्ड था, ऑनली फ्रेश वाटर, सिंपल जू प्लांट, सिंपल फिशेस थे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े फॉरेस्ट्स हैं, जिनसे इस कम्युनिटी का बायोमास इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि
अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे अगर आप ऑर्गेनिक मैटर चेक करोगे और यहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर चेक करोगे, ऑब्वियसली ड्राई मैटर यहां पे ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बायोमास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर। तो और कुछ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, पहला कैरेक्टर ग्रेजुअल एंड स्लो चेंजेस होते हैं, प्रेडिक्टेबल चेंजेस। न्यूली फॉर्मड कम्युनिटी हो गई यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कुछ स्पीशीज जो है वो ऐड हो गए, कुछ स्पीशीज रिमूव हो गए, यहाँ पे इंक्रीज होता है यहाँ पे बायोमास। तो इसमें लगते हैं टाइम, ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन लगता है इसमें, सालों लगते हैं इसमें, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स। क्लियर हुआ बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसके बाद हम आएंगे एक लास्ट पॉइंट पे इसका। हो गया? चलो मैं रब करता हूं इसको। ये जो मैंने बताया ये पॉइंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, कैरेक्टर इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब यहां पे पॉइंट है सीरस एंड सीरल स्टेज। सीरस एंड सीरल स्टेज, तो पहले मैं सीरस बताऊंगा। सिरस क्या होता है? ये सिरस मीन्स हो गया जो ये इंटायर चेंज हो गए, ये ऑल चेंजेस अकरिंग इनसाइड द कम्युनिटी, इन चेंजेस को हम सिंपली नाम देते हैं सिरस, द इंटायर चेंजेस। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन ए कम्युनिटी, इन newly formed community, जो ये newly formed community यहां पे है, इसमें जितने भी changes आ गए, इन सारी changes को हम बोलते हैं सिरस। सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिरस सिंपली बोलेंगे आपको। सिरस क्या है? आप बोलना entire sequence changes, जो ये community बनती है, इस community में जब changes आती रहती हैं, देखो पहले क्या था, फ्रेश वाटर स्टेज पे था, इसके बाद phytoplankton स्टेज पे आ गया, इसके बाद submerged स्टेज पे आया, इसके बाद free floating स्टेज पे आया, then reed swamp स्टेज पे आया, then marginal plant स्टेज पे आया, then ये बना लार्जर ट्री स्टेज, यानी कि फॉरेस्ट स्टेज। ये जो एंटायर चेंजेस आ गए, ये जो स्टेजेस हैं, इन ऑल स्टेजेस को हम नाम देते हैं सिरस। ये मैंने लिखा, इंटायर सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इज नोन एज द सिरस। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूंगा यहां पे, देखो पहले क्या था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज द पॉन्ड, फ्रेश वाटर पॉन्ड। देन इसमें क्या हो गई, डेवलप phytoplanktons, तो मैं लिख सकता हूं दूसरा स्टेज आ गया phytoplankton stage। तीसरा क्या आ गया इसमें, submerged stage। फिर फोर्थ क्या आया इसमें, free floating plants आ गए, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं free floating stage। इसी तरह reed swamp stage, then there is the marginal stage, then this is the forest stage। अब ये forest stage आ गया, जिसको हम नाम देते हो climax community। तो ये जो अलग अलग stages हैं, इनको मैं नाम देता हूं सीरल स्टेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस द सीरल स्टेज ऑफ phytoplanktons, दिस द सीरल स्टेज ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स, दिस द सीरल स्टेज ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, दिस द सीरल स्टेज ऑफ रीड स्वैम्प्स, सीरल स्टेज ऑफ मार्जिनल प्लांट्स एंड सीरल स्टेज ऑफ लार्जर ट्रीज। तो सीरल स्टेज मीन्स द इंडिविजुअल चेंज, इंडिविजुअल स्टेज ऑफ ए कम्युनिटी,
फॉर एग्जाम्पल आप पहले गए थे पॉन्ड पे, वहां पे आपको फ्रेश फ्रेश वाटर दिखा, तो आप सिंपली बोलेंगे दिस इज द फ्रेश वाटर स्टेज, द सीरल स्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। फिर आप गए वहां पे फाइटोप्लैंक्टन डेवलप हो गए, तो आप बोल सकते हो ये क्लाइमेक्स, ये कम्युनिटी जो है कौन सी स्टेज में थी, तो आप बोल सकते हो दिस वाज द फाइटोप्लैंक्टन सीरल स्टेज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फिर आप 15-20 साल के बाद फिर से गए, तो दिस वाज द इन द सीरल स्टेज ऑफ सबमर्ज प्लांट, सीरल स्टेज ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट, सीरल स्टेज ऑफ रीड स्वैम्प्स, सीरल स्टेज ऑफ मार्जिनल प्लांट एंड सीरल स्टेज ऑफ फॉरेस्ट्स। ये अलग अलग अगर हम बात करेंगे तो सीरल स्टेज कहेंगे, अगर हम सारे स्टेज को एक साथ बोलेंगे तो नाम है इसका सीरस। ओके, सीरस इज द होल इंटायर चेंज, बट सीरल स्टेज इज द इंडिविजुअल स्टेज ऑफ द कम्युनिटी। ओके बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट? तो अब इसके बाद है इकोलॉजिकल सक्सेशन की टाइप्स। टाइप्स में दो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, वो हम, मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है बेटा, टाइप्स और इसके बाद है प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन भी इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम बताएंगे क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं। तो इस अभी के लिए आप इतना याद रखो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे बनते हैं। ठीक है, सीरस क्या होता है और सीरल स्टेज क्या रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, ठीक है, टेक केयर।